हेलो दोस्तों, मुंजुन ब्लॉग, वेलकम टू आवर चैनल। आज है संडे, तो ये है संडे ब्लॉग। तो ये थोड़ा सा देर से ही सही, बर्थडे डालना तो था और ये ना कुछ ज़्यादा देर हो गया क्योंकि हम मेरी परीक्षा बहुत पास है, जून की भी बहुत पास है, तो इसीलिए मैं डाल नहीं पाई। तो संडे को ना बहुत काम रहता है हमें, तो इसलिए हम अभी ये सारे काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मेरी पहन के बैठी है जैकेट और मैं यहाँ पर अपने सारे कपड़े तैयार कर रही हूँ। मैंने प्राय आधे तैयार कर लिया है और जून ने अभी अभी स्टार्ट किया, तो हमने एकदम अपना दुकान दे दिया। और यहाँ पर हम दोनों का चैलेंज चल रहा था कि कौन कितना ज़्यादा कपड़े मतलब बेच सकता है। तो हम मम्मी को अट्रैक्ट कर रहे थे, पापा को भी बोल रहे थे कि खरीद लो ऐसे। और ये देखो, जून सारे अपने कपड़े दिखा रही है और ये बहुत सारे कपड़े हैं। और मेरा तो बोल ही मत, मैं तो अपने टेबल पर रखती हूँ, तो इसने ऊपर भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उसने ज़्यादा ऊपर रख दिया। और ये एक चीज़ है जहाँ पर मैं मिनी गार्डन बनाऊंगी, जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कभी अगर टाइम मिला मुझे तो। और यहाँ पर मैंने अपने किताबें रखी है, वहाँ पर ये वाला किताब है जिसका होमवर्क रहता है, और जो उस साइड में किताबें हैं वो नहीं लगते मेरे। और यहाँ पर है मेरा डायरी और है एक स्टोरी बुक और कैलेंडर। और यहाँ पर देखो मेरे बर्थडे कार्ड्स है, मेरे बर्थडे के कार्ड्स, मैम की बर्थडे की कार्ड्स, वो सब है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी है, तो ये आप लोग कह सकते हो कि ये मेरा एक लॉकर है। तो ये मैंने और एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, तो ये माध्या ने तोड़ दिया एकदम से। तो मैंने इसको लगाने की बहुत कोशिश किया, तोड़ नहीं, खोल दिया था उसने, तो लगाने की बहुत कोशिश की बट मैं लगा नहीं सकी क्योंकि छोटी बच्ची जो हूँ मैं, मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया बट मुझसे नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे कपड़े हैं और यहाँ पर मैंने और एक बॉक्स में फालतू चीज़ें रखा हुआ है, वो वाली बॉक्स में। और यहाँ पर नीचे मेरे प्राइस और एक बैग। और ये देखो गाइस, ये सारे फ़ोटोज़ हैं, पुराने फ़ोटोज़। तो पहले आप लोगों ने जो फर्स्ट में फ़ोटो देखा बच्चों का, वो तो मेरा फ़ोटो है, एकदम लगता नहीं ना ये मैं हूँ ऐसे। तो वो देख के एक सॉन्ग याद आ गया, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ। ये फ़ोटो देख रहे हो ना मेरा, ये ना जाते विद्यालय का फ़ोटो है जब मैं अभी नहीं मैं डॉक्टर बनी थी। और ये जून का फ़ोटो है, जो इसमें जून लग ही नहीं रहा। और ये एक फ़ोटो है जो है गुवाहाटी का, जब मैं छोटी थी तब मैं वहाँ पर गई थी पापा के साथ। और ये और एक है जून, जो है दादाजी की गोदी में, और तब ना बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी सी। और ये जून फिर से ज़्यादातर ना पूरे श्रीलंका ही फोटो है। ओह हाँ, मैं तो आप लोगों को बताना भूल ही गई, ये श्रीलंका फ़ोटो है जिसमें जून ना अपने बीमारी के वजह से वहाँ पर गई थी। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं कि उस बीमारी को क्या कहते हैं हिंदी में। और ये हॉस्पिटल और ये पापा पार्क में, श्रीलंके पार्क में। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं फैमिली फ़ोटोज़। और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं, ये सारे पापा के बुक में हैं, मतलब ये पापा का है। तो मेरे पास भी अपने अपने मतलब मेरे खुद के कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मेरे पास ही है, वो मेरे कार्ड्स के ऊपर मैंने टेबल पे रखा हुआ है। और अब मैं यहाँ पर खा रही थी, मतलब पी रही थी जूस जो कि पापा लाते हैं हमेशा, और अभी मैं उसी स्ट्रो से खा रही हूँ दूध। तो हमेशा मम्मी हमें दूध खिलाती है जब भी, मतलब खिलवाती है जब भी हम पढ़ने को बैठते हैं। तो कल को मेरा परीक्षा है,
सोमवार को, तो सोमवार तो अभी बीत गया है ये चुताल का, तो परीक्षा है उसीलिए मैं पढ़ रही थी। और जून यहाँ पर पढ़ रही है अपने मतलब होमवर्क कर रही है, वो तो होमवर्क कंप्लीट ही नहीं कर पाती, वो इतना देर लगाती लिखने में। और ये देखो पपीता जो मुझको बहुत पसंद है, इसके ना पूरे आधा पपीता, आधी से ज़्यादा पपीते मैंने खाए थे इसमें से। वहाँ मैंने किचन में भी खाया और अभी मैं यहाँ पर अपने रूम में भी खा रही हूँ। ये पपीता बहुत टेस्टी है, ये देखो आ गई मोटी, इसको तो खुद से खाना नहीं है, बस मेरे यहाँ से खा रही है, खुद ला के खाना बंदरिया कहीं की है। और अभी ये हो गया है नमाज का वक्त मगरिब का, और हम फिर से दूध खा के पढ़ने बैठ गए हैं। और महदिया भी खा रही है, ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी से आप लोग कमेंट में बताना, जो ओ हाँ दूध का मलाई, हाँ दूध का मलाई खा रही है वो। और अभी देख रहे हो ना टाइम भी मैंने दिखा दिया, 6:30 बज रहे हैं। और हम यहाँ पर मम्मी की ही बेड में पढ़ने बैठ गए, कल को हमारा एक एग्ज़ाम है, फिर से एग्ज़ाम, कल को और एक एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो वो भी देना है हमें, इसलिए मैं फिर से पढ़ रही हूँ। और महदिया की कांड देखो, वो मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं, वो मेरे यहाँ से ऐसे पार होके चली जाती है, कभी कभी तो ऐसे खड़ी हो जाती है, तो जब वो ऐसे खड़ी होती है ना तो बहुत दर्द करता है, कि क्योंकि वो इतनी मतलब उसका वेट जो है ना वो भी तो बढ़ गया है ना, अभी जब वो बड़ी हो चुकी है ना। तो माध्या ये देखो मेरे ऊपर खड़ी होके ऐसे ताली बजा रही थी, और कुछ सेकेंड में उसका पोपट हो गया, वो फिर से उठने की कोशिश कर रही है मेरे बालों को पकड़ पकड़ के। ये देखो कितनी 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 बदमाश है ये लड़की। तो अभी हमने फिर से अपना जो जगह था उसको चेंज कर लिया, फिर से हम पढ़ रहे हैं। तो मम्मी हमें खाना खिला दे रही है, हमेशा मम्मी हमको खाना खिला देती है रात को, तो अभी ऐसे हम खाना भी खा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो मम्मी ने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो भी कर लेते हैं खिलाते खिलाते उनको। तो ये देखो माध्या भी खा रही है, डायपर पहन के खा रही है, हम सभी इस वक्त खाते हैं पढ़ते हैं और हम सो जाते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, पापा आने से पहले तो हमारा सोना बिल्कुल भी नहीं होगा, पापा को देखे बिना हम सोते नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा आज की वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।